नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जननायक जनता पार्टी राजस्थान में एक बड़ा और मजबूत विकल्प बनेगी। इसकी शुरुआत 5 अगस्त को एनसो के 20वें स्थापना दिवस पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित कार्यक्रम रणघोष के जरिए की जाएगी। जननायक चौधरी देवीलाल और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कर्मस्थली राजस्थान की नई पीढ़ी को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देना जजपा का लक्ष्य है और एनसो के जरिए इसकी नई शुरुआत होगी। ये बात जजपा प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कही। वे जजपा प्रदेश कार्यालय पर पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जजपा की छात्र इकाई एनसो इस बार अपना स्थापना दिवस राजस्थान की राजधानी जयपुर में मनाएगी। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले रणघोष कार्यक्रम में कई राज्यों से हजारों युवा भाग लेंगे। दिग्विजय ने कहा कि राजस्थान में एनसो के इस कार्यक्रम की राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि राजस्थान जननायक चौधरी देवीलाल और जजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कर्मस्थली है। जजपा प्रधान महासचिव ने कहा कि चौधरी देवीलाल सीकर से चुनाव जीतकर देश के उप प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला राजस्थान के नोहर और दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों से विधायक रहे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा के 17 विधानसभा क्षेत्र और 7 जिले राजस्थान के बॉर्डर से लगते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान से हमारा पुराना स्नेह है और इनसो जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर निरंतर आगे बढ़ रही है, इसलिए राजस्थान में इनसो के माध्यम से नई शुरुआत करने जा रहे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि राजस्थान में जजपा निरंतर संगठन विस्तार पर काम कर रही है और पार्टी की ओर से राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा चुका है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि राजस्थान में मौजूदा कांग्रेस सरकार के सामने वहां के लोगों को जजपा के रूप में एक मजबूत और बड़ा विकल्प दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वहां राजनीतिक रूप से खुद को कमजोर महसूस कर रहे युवाओं को आवाज दी जाएगी और युवाओं के लिए इनसो से अच्छा अन्य कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। इस अवसर पर जजपा प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर सिंह, एससी सेल के प्रदेशाध्यक्ष अशोक शेरवाल आदि मौजूद रहे। चंडीगढ़ से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये पर्व जो है, इसको बड़े धूमधाम से त्योहार की तरह हर वर्ष किसी ना किसी जगह हम मनाते हैं। इस बार हमारे संगठन ने यह फैसला लिया, क्योंकि हम समय समय पर इसके विस्तार की चर्चा करते थे, मगर कोविड काल करके कर पिछले 2 सालों से ये कार्यक्रम कहीं और नहीं हो पाया, इसीलिए इस साल जो है इसको राजस्थान की राजधानी जयपुर में करने का फैसला जेजेपी ने लिया है, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है। राजस्थान युग पुरुष जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, जिनकी राजनीतिक विचारधारा पर ये इनसो दौड़ लगा रही है, उनकी कर्मस्थली रही। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी देश के सर्वोपरि पद पर जब आसीन हुए, लोगों ने विश्वास जताया तो वो स्वयं सीकर से चुनाव जीत करके गए। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी अकेले ऐसी व्यक्ति हैं जो 2 राज्यों की विधानसभा के सदस्य रहे, हरियाणा से भी डवाली सीट जीत करके आए और राजस्थान में नोहर और दाता रामगढ़ से एमएलए बने, और वो अकेले ऐसे सदस्य हैं जो एमपी लोकसभा के भी बने और राज्यसभा के भी बने। हमारे 17 विधानसभा क्षेत्र और 7 जिले जो हैं हरियाणा के, वो राजस्थान से टच हैं। ऐसे में हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, इस विचारधारा में विश्वास रखने वाले लाखों लोगों के लिए राजस्थान जो है वो बहुत फ्रूटफुल धरती है। हमारा बड़ा स्नेह राजस्थान के लोगों से है। इसमें एक नई शुरुआत राजस्थान के अंदर सबसे छोटी इकाई के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जब कभी भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान के अंदर जेजेपी के विस्तार के लिए भी पार्टी निरंतर काम कर रही है और आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी एक मजबूत और बड़ा विकल्प बनकर के राजस्थान के अंदर जो मौजूदा सरकार है उसके सामने खड़ी होगी। मुझे उम्मीद है कि 5 अगस्त के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग यहां से, हरियाणा के प्रत्येक जिले से, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जाएंगे और हजारों की संख्या में राजस्थान के लोग भी उसमें सम्मिलित होंगे और एक बड़ा आयोजन, एक नई शुरुआत, एक रणघोष जयपुर में 5 अगस्त को।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।